तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, 30,000 शहर के वोटर से हमारी टीम ने फोन कॉलिंग की, उनके इश्यूज को चिन्हित किया, उस चिन्हित करके मैं प्रतिदिन 3-4 घंटे वो सारे इश्यूज पढ़ता हूँ। उदयपुर का एक, सिर्फ उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र का एक जन विश्वास पत्र, जन प्रतिज्ञा पत्र, जन संकल्प पत्र, क्योंकि मैंने नहीं बनाया इसलिए ये जन है। और ये आप पूछेंगे कि आप क्या करेंगे, तो मैं अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर दिवाली के आसपास वो जन संकल्प पत्र लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, और टाइमलाइन के साथ कि जनवरी 2024 में क्या होगा। ऐसा नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख तुम्हारे खाते में आने वाले हैं, वो बातें नहीं, हर महीने का वो बातें नहीं, उधार कल से शुरू, कल जाओ तो क्या कल वापिस आओ। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का नारा है विकास कल से शुरू, कल जाओ तो बोले परसों से होगा, परसों जाओ तो बोले फिर अगला कल लिखा हुआ है ना सर। टाइम लाइन लेके एक जन विश्वास पत्र, जन संकल्प पत्र लेके उदयपुर शहर के तमाम वोटर्स के सामने मेरी प्रतिज्ञा होगी कि कौन सी तारीख को क्या काम होगा, कैसे होगा, उसका डिटेल बात होगी। और ज़्यादा झूठी बातें नहीं, सिर्फ 5-7 इश्यूज कि टूरिज्म इंडस्ट्री में आज इतने फुटफॉल है, अगले साल तक इतने मैं कराऊंगा और कैसे कराऊंगा। माइनिंग इंडस्ट्री की रेवेन्यू इतनी है, इस रेवेन्यू को 1.25 टाइम्स अगले साल कैसे होगी, कौन से मिनरल से होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी पिछले 20 साल में जो कुशासन हुआ उसमें ये काम हुए, धीमी गति से काम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने अंडरपास, क्योंकि उसके लिए बेसलाइन सर्वे करना पड़ेगा। आज मैं आपको बोल दूँ 100 बना दूंगा, 3 अंडरपास हो जाएंगे, बेसलाइन सर्वे होगा, प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर होगा। और झूठा नहीं, आई एडवेनिस 20 साल ले गए, और 20 साल में क्या किया, आई एडवेनिस करके FRAUD, फ्रॉड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं धोखा। तो उस पर क्या नज़रिया है, तमाम चीज़ें इस जन संकल्प पत्र में आपको अगले 10 दिन में आपके माध्यम से, क्योंकि आपके बिना तो जन जन तक पहुँचेगा कैसे, तो आपको आग्रह करूँगा कि आप पधारिएगा, एक प्रेस वार्ता रखेंगे, और उसमें तमाम, क्योंकि मैं तो साहब प्रेस के सवाल, हमारी तो पार्टी में परंपरा है कि हम प्रेस के सवाल भी लेते हैं, और कई बार नहीं आते तो बोल भी देते हैं नहीं आ रहा। जिले यहाँ की संरक्षित रहे, और साथ ही साथ अगर पिछले कुछ समय में देखें तो पहाड़ियाँ यहाँ पे बेतहाशा छलनी हो रही है, उसको लेके भी आपको मैंने टूरिज्म और माइनिंग की बात की, माइनिंग विथ नेचर, माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी, मतलब माइनिंग इंडस्ट्री चाहिए हमको, पर पहाड़ खोद के नहीं, हमें माइनिंग माइंस भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। झीले का जब मैं टूरिज्म की बात करता हूँ तो बिना झीलों के टूरिज्म कैसे होगा, उसकी क्या योजना होगी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपने, मैंने और आपके हर दर्शक ने कक्षा 3 या कक्षा 4 में एक सीनरी बनाई होगी जिसमें हम एक वाटर बॉडी बनाते हैं, फिर ऐसे वी शेप, उल्टे वी शेप में पहाड़ बनाते हैं, फिर 2-3 पंछी बनाते हैं, आपने बनाई ना वो जो सीनरी है ना, वो फतेह सागर की सीनरी है। दुनिया का हर बच्चा जो सीनरी बनाता है ना, वो फतेह सागर के पाल पे दिखती है, पर आपने किया क्या। 6 लाख की हमारी आबादी, 1,94,000 टूरिस्ट अगर किसी महीने में आते हैं तो हम कहते हैं रिकॉर्ड टूट गया, मतलब हम हमारी पॉपुलेशन का 1/3 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारे से कम सुंदर है वेनिस, जिसकी 2.5 लाख आबादी है, वो लगभग 4,60,000 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, लगभग अपनी पॉपुलेशन के दुगना। हमें टूरिस्ट चाहिए,